उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री पद फिलहाल बच गया है। उनकी कुर्सी पर मंडराते खतरे को दूर करने में जिन दो लोगों की अहम भूमिका रही है उनमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रमुख हैं। इन दोनों की सलाह और मदद से उद्धव ठाकरे एक बड़े संवैधानिक और राजनीतिक संकट का सामना करने से बच गए हैं। शरद पवार के एक बेहद करीबी का कहना है कि पवार अपने 50 साल के राजनीतिक अनुभव से ये जानते थे कि राज्यपाल उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में नामित करने के लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि राज्यपाल के पास इसकी वैधानिक वजहें हैं। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर नितिन गडकरी के संपर्क में थे। पवार और उद्धव इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि गडकरी की दिल्ली में और संघ परिवार में क्या हैसियत है। 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर लाइव संवाद में नितिन गडकरी का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद अदा किया। मराठी के अलावा उद्धव जानबूझकर हिंदी में भी बोले और नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक साफ साफ ये मैसेज पहुंचाया गया कि महाराष्ट्र के कुछ नेता मामले को बिगाड़ना चाह रहे हैं। बाद में शरद पवार और नितिन गडकरी की सहमति से बात बनने लगी। 26 अप्रैल को नितिन गडकरी की सार्वजनिक तारीफ के अगले ही दिन 27 अप्रैल को उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार और आदित्य ठाकरे की एक आपात बैठक हुई। इस मीटिंग में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नितिन गडकरी के बीच हुई बातों के आधार पर नई रणनीति तैयार की गई। उद्धव ठाकरे के करीबी सूत्रों का कहना है कि नितिन गडकरी ने दिल्ली में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर ये पता लगाया कि राज्यपाल की ओर से उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में नामित किया जाना संभव नहीं है और उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री पद बचाने का रास्ता सिर्फ विधान परिषद की खाली पड़ी सीटों का चुनाव है। ये काम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद के बिना संभव नहीं था। शरद पवार की सलाह और आपात मीटिंग में बनी रणनीति के मुताबिक अगले दिन 28 अप्रैल को उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और राजनीतिक संकट को टालने के लिए मदद मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे को मदद का भरोसा दिलाया। 29 अप्रैल को दिल्ली और मातोश्री के बीच कई राजनीतिक सहमतियां बनी और ऐसे में उद्धव की कुर्सी पर जो खतरा मंडरा रहा था वो टल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।